संसार में अनेकों लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि गुरु कृपा के बिना और कुछ नहीं हो सकता। संसार जो भी हमें प्राप्त करना है संसार में, वो गुरु कृपा प्राप्त करनी है। और उत्तराध्यायन सूत्र के माध्यम से परमात्मा महावीर ने तीन संदेश दिए। यदि आप जीवन में गुरु कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो तीन चीजें आपके जीवन में आवश्यक है। क्योंकि हम तो यह संस्कृति से है जहाँ ये सिखाया जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की, जिन्हें गोविंद दियो बताए। यहाँ तक विष की वेलड़ी गुरु अमृत की खान, शिष्य दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा। तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कहे सो टल सके मेरे गुरु कहे सो होए। और आगे जाके तो यहाँ तक लिख दिया कि समझ लेना, सब धरती कागज करूं लेखनी करूं वनराई, सात समंदर मसी करूं फिर भी गुरु गुण लिखियो न जाए। हम तो वह संस्कृति से बिलोंग करते हैं जहाँ गुरु को सर्वोपरि स्थान दिया गया, जहाँ गुरु को सम्माननीय स्थान दिया गया, और जहाँ अपेक्षा से देखा जाए तो परमात्मा से भी बड़ा दर्जा गुरु को दिया गया। और वह गुरु की कृपा प्राप्त कैसे हो वो उत्तराध्यायन सूत्र के माध्यम से परमात्मा महावीर बताते हैं। कहते कि यदि आप गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो जीवन में तीन चीजें आपके होनी बड़ी आवश्यक है। और तभी आप गुरु के आशीर्वाद प्राप्त कर पाओगे, गुरु कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि हम तो मानते हैं कि संसार में जो कुछ भी उपलब्ध होता है हमारा पुण्य बाद में, हमारा पुरुषार्थ बाद में, गुरु के आशीर्वाद सबसे पहले, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। संसार में जिस जिसने पाया, जिस जिसने प्राप्त किया, जिस जिसने संसार में कुछ न कुछ हासिल किया है, चाहे साधना के क्षेत्र में, चाहे साधनों के क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र में, जिस जिसने संसार में कुछ प्राप्त किया है, कहीं ना कहीं बिना गुरु के आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त नहीं किया है। और हमारे यहां तो यहां तक लिखा गया कि समझ लेना, संसार में कई जीव ऐसे हैं जो गुरु बने बिना मोक्ष में चले गए। उनका कोई शिष्य नहीं था, कोई उनका शिष्य नहीं बना, वो अकेले थे लेकिन फिर भी मोक्ष में चले गए। कहा कि समझ लेना, संसार में कई लोग ऐसे हैं जो गुरु बने बिना मोक्ष में चले गए, लेकिन संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं जो गुरु बनाए बिना मोक्ष में चला गया। बने बिना तो कई चले गए, कई ऐसे संत महंत महात्मा हुए जिनके शिष्य नहीं था, फिर भी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लेकिन संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं जिन्होंने अपने माथे पर किसी को रखा ना हो और फिर मोक्ष में चले गए। रखने के बाद ही मोक्ष प्राप्त किया है, रखने के बाद ही सिद्धि को हासिल करी है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे परमात्मा महावीर कहते हैं कि गुरु कृपा प्राप्त करनी हो संसार में तीन चीजों बड़ी आवश्यक है। कहा सबसे पहले नंबर में गुरु के आसपास रहो। कहा कि गुरु के नजदीक जितना रह सकता है आदमी, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि इंग्लिश में भी कहावत है कि आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड। कहा गुरु के आसपास जितने रहोगे, समीप जितने रहोगे, उतना एक तो हमें गुरु की सेवा का मौका मिलेगा, गुरु की सेवा का लाभ मिलेगा, गुरु की दृष्टि में हमेशा रहेंगे और कहीं ना कहीं आशीर्वृष्टि होती रहेगी। इसीलिए परमात्मा ने तीन उपाय बताए संसार में गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए। कहा सबसे पहले नंबर में गुरु के आसपास रहो, मात्र गुरु चरणों में जाकर के बैठ जाए। कुछ नहीं करना, ना कुछ बात करे, ना कुछ बोले, ना कुछ कहे, फिर भी आशीर्वाद प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए परमात्मा महावीर ने कहा कि गुरु के आसपास रहो। यदि आप गुरु का सानिध्य आपको मिल गया, समझ लो जीवन सफल हो गया। आप संसारी हो, जीवन में समय निकालिए, हर दो महीने तीन महीने गुरु के चरण में चले जाइए। मैं तो कई बार कहता हूं कि जिस तरह से हर मोबाइल को 24 घंटे में चार्ज करना पड़ता है, इसी तरह से हम जैसे गुरु से दूर होते हैं धीरे धीरे हम नेगेटिविटियों से भरते हैं, हम गलत ऊर्जाओं से भरते हैं। आप संसार में तरह तरह के लोगों से मिलते हो, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। हम तो पॉजिटिव स्थान में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों से बच जाते हैं, वो सब चीज़ें हमारे सामने बहुत अल्प आती है। लेकिन आप तो संसार में रहते हो, अनेकों लोगों से मिलते हो, आदमी अच्छा भी हो, भला भी हो, बुरा भी हो, बेकार भी हो, हर तरह के आदमी आपके परिचय में आते हैं, उसकी नेगेटिव ऊर्जा आपको पकड़ती है। क्योंकि आपकी ऊर्जा उतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए नेगेटिव ऊर्जा कहीं ना कहीं पकड़ती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरह से 24 घंटे में एक बार मोबाइल को रिचार्ज कर ले तो मोबाइल 100% चार्ज हो जाता है, इसी तरह से महीने में दो महीने में एक बार गुरु के पास जाकर के खुद को रिचार्ज कर ले तो हम भी 100% चार्ज हो जाएंगे। गुरु के आसपास रहो, जितना पास रहोगे उतना पाओगे, ये सीधा सूत्र है।
और इसीलिए परमात्मा महावीर ने कहा कि गुरु की कृपा प्राप्त करनी है, सबसे पहले नंबर में गुरु के आसपास में रहो, दूसरे नंबर में गुरु को अनुकूल रहो। ये बड़ी गजब की बात है, कहा हमारी अनुकूलता नहीं गुरु की अनुकूलता, और जब तक बुद्धि बीच में होगी हम हमारी अनुकूलता देखेंगे, लेकिन जब हृदय बीच में होगा तो हम गुरु की अनुकूलता देखेंगे। ये मन को समझाना बड़ा कठिन है, इसलिए परमात्मा महावीर ने 32 अध्याय में पहला सूत्र लिख दिया, विनय सूत्र, क्योंकि परमात्मा हमें बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में समझ लीजिएगा जब तक विनय नहीं है तब तक सब शून्य है। आप कितना तब त्याग कर लो, आराधना साधना कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन नो माइंड का कॉन्सेप्ट जब तक आपके दिमाग में न बैठे तब तक सब शून्य है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन में समझिएगा, गुरु को अनुकूल रहो, उनकी अनुकूलता देखी जाए, उनकी प्रसन्नता देखी जाए, उनकी समाधि देखी जाए। हम हमारी अनुकूलता न देखें, हम हमारी प्रसन्नता पर गौर न करें, हमारे भावों को सामने न रखें। हमारे यहां तो यहां तक लिखा गया कि निश्चित तौर पर समझिएगा, गुरु को अनुकूल जो रहता है, गुरु को प्रसन्न जो रख लेता है, वो बिना कहे गुरु के अनेकों आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि समझ लेना, हमारे यहां शिष्य की व्याख्या हुई कि गुरु के मन के भावों को जो जान जाए, गुरु के आंख के इशारों को जो समझ जाए, वही शिष्य। शिष्य कौन? शिष्य कौन जो गुरु के मन के भावों को जाने, जो आंख के इशारों को समझ जाए, जिसको कहने की भी जरूरत ना पड़े कि गुरु क्या आज्ञा करना चाहते, गुरु क्या कहना चाहते हैं। और तब होगा जब हम गुरु के अनुकूल हुए होंगे। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर गुरु कृपा प्राप्त करने के संसार में 3 मार्ग है। सबसे पहले नंबर में गुरु के आसपास रहो, दूसरे नंबर में गुरु को अनुकूल रहो, और तीसरे नंबर में कहा गुरु की आज्ञा में रहो। आसपास रहने से भी काम न होगा, अनुकूल रहने से भी काम ना होगा, तीसरा भी ये विषय बड़ा जरूरी है, गुरु की आज्ञा में रहो। हमारे यहाँ पे कहा गया, हमारे बुजुर्ग पंडित हमें सिखाते थे और मुझे कहते थे कि समझ लेना, जीवन में शास्त्र एक बाजू, किताबें एक बाजू, किताबों का ज्ञान एक बाजू, सब चीज साइड में रख देना, जब गुरु की आज्ञा सामने आ जाए तो उससे बड़ा कुछ है नहीं संसार। जीवंत भगवान जब आज्ञा करे तो उसके सामने क्या हो हमारे पास। इसीलिए कहा हर चीज साइड में, हर चीज बाजू में, एकमात्र गुरु आज्ञा सर्वोपरि। और इसीलिए जब परमात्मा से पूछा गया कि परमात्मा आने वाले समय में धर्म की प्रतिक्रिया, धर्म की व्याख्या हम क्या करेंगे, तब कहा गया कि आनाए धम्मो, गुरु की आज्ञा वही आपके लिए धर्म है, आपके गुरु जो कहे वो करो, आज्ञा वही तो धर्म है और है क्या। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझिएगा, जीवन में ये 3 चीजों को हमेशा सामने रखिए। यदि आप गुरु कृपा प्राप्त करना चाहते हो, निश्चित तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि हमें गुरु के आसपास रहना है, तभी गुरु कृपा प्राप्त होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें गुरु के अनुकूल रहना है, तभी गुरु कृपा प्राप्त होगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, क्योंकि हमारे हाथ तो यहां तक लिखा गया कि जो व्यक्ति विनित शिष्य बन जाता है, गुरु को समर्पित हो जाता है, वो व्यक्ति पुत्र जितना प्रेम अपने गुरु से प्राप्त कर सकता है। ये ताकत हमारे समर्पण के अंदर है। इसलिए समझ लीजिएगा, संसार में गुरु कृपा प्राप्त करनी है तो ये 3 चीजें होनी बड़ी आवश्यक है। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।